इतने शो बन गया और इतने बड़े बड़े फेस इस शो में जुड़े हैं. सो होप सो कि आप सबका बहुत प्यार मिलेगा. 11 तारीख से 11 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे. वैसे तो जितना अच्छा ये शो है ये 9 बजे का स्लॉट होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे के स्लॉट में हम इतना अच्छा करेंगे कि चैनल खतरों के खिलाड़ी का फिनाले करके हमारा ये डाल देगा. जो फुल ऑन मस्ती शो है, प्रैंक्स भरा. इट्स रिटन बाय भारतीज हस्बैंड हर्ष एंड ऑफ कोर्स भारती, द टैलेंटेड भारती इज इन इट. इट्स गोना बी फुली नॉटी मस्ती एंड थोड़े से खतरे भरे प्रैंक्स एक दूसरे के साथ करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा. एक जोन है जो मैंने टैप नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी हर आर्टिस्ट का एक अलग साइड देखने मिलेगा एंड दे विल एंजॉय इट. एक्चुअली खतरा खतरा यानी कि जैसे कि पहले खतरों के खिलाड़ी था वैसे ही खतरा 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 है. मतलब इसमें जान का खतरा नहीं भाई, इसमें शान का बहुत खतरा है क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसमें एक दूसरे की ऐसी वाट लगाने वाले हम सब कि मतलब ऐसा शो आपने कभी टीवी पे नहीं देखा होगा कि जहाँ पे सीरियसली एक दूसरे की वाट लग रही है. थप्पड़ पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, मुक्के पड़ेंगे तो सीरियस पड़ेंगे, और जो भी हम लोग एक दूसरे को सजा देने वाले हैं वो भी सीरियसली देने वाले हैं. नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं सेंटिमेंटल. हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा राह चलते किसी भी आदमी के साथ प्रैंक नहीं करते. हमने पूरा प्लान किया हुआ, सामने वाले को नहीं पता, लेकिन बुलाते ही उस बंदे को है कि वो गुस्सा ना करे. जैसे कभी मेहंदी वाली को बुला लिया, म्यूचुअल फंड वाले को बुला लिया, या इनका मेकअप करके इनको सैलून वाला बना दिया, तो ऐसे वाले हैं. और बाद में जब उनको बताते हैं कि ये प्रैंक्स हैं, और भी सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं रूम से बाहर और बताते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. फिर हम बोलते हैं सॉरी कोई बात नहीं सेल्फी, तो वो सेल्फी लेके खुश हो जाते हैं. तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है. सो लोग बहुत प्यार करते हैं जब ओरिजिनल देखते हैं. भारती जी आप बहुत हंसाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है तब. सो ऐसा ही ये शो है और किसी को भी हर्ट करने वाला शो नहीं. आप जब देखेंगे आपको तब पता चल जाएगा. आई थिंक लोगों ने बहुत पसंद किया शो को, सो थैंक यू. और हमारी दोस्ती, हमारी कैमराडरी को बहुत पसंद किया. और हर्ष भाई फिर ये एक नया शो लेकर आए, एक नया कॉन्सेप्ट था, तो सुन के ऐसा लगा कि नहीं कुछ बात है, कुछ बन सकता है, कुछ फन हो सकता है. फिर हमने कुछ मॉक शूट किए, उसको देखा, फिर उसके बाद लगने लगा नहीं यार कुछ बात है, ऐसा कुछ है इसमें जो ऑडियंस इन्जॉय करेगी. फिर हमने शूटिंग शुरू की और वाकई में यार हमने शूट करते वक्त इतना इन्जॉय किया है, तो आई एम श्योर कि जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो हंसेंगे और वो एंटरटेन होंगे.